हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे फ्री में एक वर्डप्रेस साइट बना सकते हैं और उसको फ्री में होस्ट भी करा सकते हैं। ऐसे तो वर्डप्रेस साइट को बनाने में आप लोगों को डोमेन और होस्टिंग वगैरह सबको परचेस करना पड़ता है, पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में वर्डप्रेस साइट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री में कुछ लिमिटेड स्पेस ही मिलेगी, पर वो स्टार्टिंग में काफ़ी होती है और उस साइट पे आप एड्स लगा के पैसे भी कमा सकते हो। आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें करना सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे आप उसमें एड्स लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या करना है सारा चीज़। तो सबसे पहले हम लोग उस वेबसाइट को खोल लेते हैं जो फ्री में होस्टिंग देती है। उस वेबसाइट का नाम है oooweb-host.com। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग गूगल में सर्च करना, जो सबसे पहले रिजल्ट आएगा उसी पे क्लिक कर देना है। ये आपको फ्री में वेब होस्टिंग देती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को फ्री में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 10 GB तक बैंडविड्थ मिल जाएगी, आपको 1000 MB की डिस्क स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे आपको एक फ्री डोमेन मिल जाएगा, आपको फ्री मिक्सी पैनल मिल जाएगा और ऑटो इंस्टॉलर आपको वर्डप्रेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के लिए बस आप लोग को अपना ईमेल आईडी डालना है। और कुछ एक पासवर्ड डाल लीजिए। तो मैं कुछ डाल देता हूँ पासवर्ड में। और यहाँ पे आपको डालना है वेबसाइट का नाम, कि आपका वेबसाइट का कैसा नाम होगा। तो जैसा कि है, तो चलिए हम अपना लोग चैनल का नाम ही डाल लेते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग की जो फ्री डोमेन होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। जो सब देख रहे हैं, techfun.000webhostapp.com। आइए अब हम लोग इसे रजिस्टर कर लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा बन चुका है। यहाँ पे आपको भी अपने ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, उस पर क्लिक करके आपको वेरीफाई करना। तो आइए हम लोग अपना ईमेल खोल लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा आ चुका है और अब हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे मेरा ईमेल वेरीफाई हो चुका है। हाँ तो दोस्तों, अब जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही आप लोग अपना ईमेल वेरीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों का स्टेटस जैसे कि देख रहे हैं अभी रनिंग आ रहा है, तो मैंने वेरीफाई कर लिया है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे मैनेज वेबसाइट पे क्लिक कर लेते हैं और बस उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया कि आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप अपना वेबसाइट अगर बना हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं या खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ वर्डप्रेस पे आपको देगा अपना एडमिन आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए, तो आप अपना कुछ भी डाल दीजिए। तो आइए हम लोग अपना डाल लेते हैं कुछ भी, अपना मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और आईडी। दोस्तों जैसा देख रहे हैं, हम लोग ये मैंने अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड अपने डाल ली और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं और बस अभी इंस्टॉल हो रही है। जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जैसा दिख रही है, अब हम लोग का डाटाबेस क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आप लोगों को बस यहाँ पे गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका खुल जाएगा, यहाँ पे आपका वर्डप्रेस का लॉगिन आईडी पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डाल देना है जो आपने बनाया था अभी वर्डप्रेस के लिए। तो ये मैं डाल देता हूँ, ये
और पासवर्ड में, और बस आप लोग को लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये यह हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल चुका है। तो जैसा ये तो हम लोग अपने पहले अभी वेबसाइट को खोल के देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो जैसा दोस्तों देख रहे हैं अभी ये हम लोग का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और उसमें पहले से ऐसा इंस्टॉल थीम है, तो ये कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है। तो आइए अब हम लोग यहाँ से इसे कुछ डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग को अपीयरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने पसंद के थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा आप लोग दोस्तों यहाँ पे अभी देख रहे हैं, यहाँ पे ये पहले से 3 थीम्स है और आप यहाँ से बहुत सारे थीम्स है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अभी दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बहुत सारा आ चुका है। इसमें से आप लोग को जो पसंद है, जिस तरह का आप लोग चाहिए, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए इसमें से हम लोग किसी अच्छे को देख के सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, बस आप लोग को इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। और बस फिर आपको यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। तो ये अब हमारी थीम्स इंस्टॉल हो चुकी है। तो आइए अब हम लोग अपने पेज को खोल के देख लेते हैं। तो जैसा दोस्तों देख रहे हैं, ये हमारा दूसरा थीम इंस्टॉल हो चुका है। कुछ इस तरह का थीम था, तो जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। आइए अब हम लोग यहाँ से कुछ कस्टमाइज कर लेते हैं इसका। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साइट आइडेंटिटी है, ये ऊपर में हमारा टैग कैसा रहेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा नाम हो गया और टैग लाइन कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि चलिए तो ये हम लोग ने डाल दिया। तो जैसा दिख रहे हैं यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। आप यहाँ से एक इमेज भी कुछ डाल सकते हैं जो यहाँ पे दिखाएगा। तो आइए मैं इसे भी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आपके पास कुछ लोगो है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, वरना आइए हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं। उसके लिए बस आप गूगल में सेलेक्ट कीजिए कूल टेक्स्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारी डिज़ाइन मिल जाएगी, आप यहाँ से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इससे बना लेते हैं एक जल्दी से। और बस इसे डाउनलोड कर लेना है, उसके लिए यहाँ से आपको बस इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और बस यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्रॉप करना है इसे, तो ये तो अभी पूरी क्रॉप हो नहीं रही है क्योंकि ये यहाँ ऊपर साइड के ऊपर में दिखाएगा, यहाँ पे आपको किसी छोटा ही सा करना। तो आइए हम लोग इसे अभी रहने देते हैं ऐसे ही। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये तो यहाँ पे था, ये अब हमारा यहाँ पे ये दिख रहा है। तो चलिए कुछ और चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ से आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग को जैसा कलर पसंद है, बैकग्राउंड कलर जैसा आप लोग चूज़ करना चाहते हैं वैसा आप लोग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हेडर इमेज आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं ये। ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो जैसा दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे हमारा अब ये शो हो रहा है।
ऐसे आप बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप मीनू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ये सब लेकिन हम लोग दूसरे जगह से करेंगे। आप यहाँ से कुछ विजिट्स भी डाल सकते हैं, स्टैटिक फ्रंट पेज डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे किसी स्टैटिक फ्रंट पेज को डाल दीजिएगा, तो जैसे ही कोई ये साइट खुलेगा तो सबसे पहले वही पेज खुलेगा। यहाँ पे अगर आप लेटेस्ट पोस्ट रखिएगा तो सबसे पहले भी ये पेज खुलेगा, तो वो लेटेस्ट पोस्ट के लिए खुलेगा। तो आइए अब हम लोग इसे सेव एंड पब्लिश कर देते हैं। तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग का नॉर्मल पेज बन चुका है। तब आइए हम लोग इसमें से और कुछ डाल लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग कुछ मेनूज को क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसा भी देख रहे हैं, हमारा ये दो मेनू खुला हुआ है। यहाँ पे ऐसा आपको दिखा रहा है होम और एक सैंपल पेज के नाम से। तो चलिए हम लोग यहाँ से कुछ पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले ये सैंपल पेज जो है, इसे हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। अरे अप्लाई कर देना है बस। उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू पेज को बनाना है। बस यहाँ पे आपको डालना है जैसे कि हम लोग डाल देते हैं अबाउट अस, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं ये मैंने कुछ डाल दिया। और अब यहाँ से आप लोग अगर कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मीडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई हाइपरलिंक डाल सकते हैं, कुछ फ़ोटो डाल सकते हैं, कुछ वीडियो को आप डाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसे पब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं कि अब हमारा एक अबाउट अस का पेज बन गया है। अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों बस अब यहाँ पे पेजेस पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे हमारा एक अबाउट अस का पेज बन चुका है। आइए हम लोग कुछ और इसमें पहले एक विजेट्स को डाल लेते हैं। इसमें आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से प्लगइन्स भी पहले हम लोग कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि बस आपको यहाँ ऊपर में ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप लोग को बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। आप लोग इसमें से सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, सुपर कैश। ये आपकी वेबसाइट की कैश को डिलीट कर देगा, जिससे आपकी वेबसाइट थोड़ी फास्ट रहेगी। और बस इसे एक्टिवेट कर देते हैं। ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। चलिए कुछ और प्लगइन्स डाल देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे प्लगइन्स डालेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। तो मैंने कॉन्टैक्ट सर्च किया। तो बस आप लोगों को ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, इस पर इंस्टॉल नाउ क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। इससे आपको फ़ायदा हुआ कि आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म बस तुरंत ही बन जाएगा, आप लोग कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और उसमें आपको फिर प्रोग्रामिंग ये सब भी थोड़ा आना चाहिए। तो ये डब्लू सुपर कैश कार, इसे आप लॉग आउट कर दीजिए। इससे आप टेंशन नहीं, आपका लॉग आउट नहीं होगा, बस ये अपना जो प्लगइन से उसमें कुछ होता है।
तो बस आइए अब हम लोग कहेंगे प्लगइन्स। तो यहाँ पे बस आप लोग कॉन्टेक्ट फ्रॉम 7 पे सेटिंग पे क्लिक करना है। तो बस आइए, बस आप लोग को यहाँ पे कुछ नहीं, बस ये एक की है जो इसे कॉपी कर लेना है। और देखिए हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म कितने आसानी से बन जाएगा। यही है वर्डप्रेस की खासियत, वरना और आपको दूसरे में बहुत सारा करना पड़ता है और कुछ कुछ लिखना अपना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग भी आपको करना पड़ेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे एक और अपना पेज बना लेते हैं। कॉन्टेक्ट अस का और बस आप लोग को ये इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और बस इसे पब्लिश कर दीजिए। और ये देखिए हमारा 2 पेज क्रिएट हो चुका है। आइए अब हम लोग अपने साइट पे देख लेते हैं खोल के। ये हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस 2 वो बन चुका है। तो देखिए कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किए और बस यहाँ पे देखिए कुछ करना भी नहीं पड़ा और यहाँ पे हमारा फॉर्म भी रेडी हो गया बहुत ही आसानी से। तो आइए अब हम लोग और कुछ यहाँ पे कर लेते हैं। पहले हम लोग एक पोस्ट कर लेते हैं इसमें, जिससे पहले हम लोग डस्टबिन में भेज देते हैं। बस यहाँ पे ऐड नाउ पे क्लिक करना है, सॉरी ऐड न्यू पे। और बस यहाँ पे तो चलिए इंट्रोडक्शन नाम से बना देता है और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे कि हेलो और अब बस इसे पब्लिश कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारी पहली पोस्ट पब्लिश हो गई है। आइए अब हम लोग यहाँ पे इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो बस हम लोग आप होम पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन पेज एक बन चुका है और बस इसे आप क्लिक कीजिएगा, यह हमारा पोस्ट आ चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप पिक्चर वीडियो कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ से अगर और भी थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों को विजेट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने विजेट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जैसे देख रहे हैं कि हमारा साइड में यहाँ पे जो भी दिखा रहा है आप इसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे राइट विजेट में हमारा है सर्च, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कॉमेंट, आर्चीव्स, कैटेगरी और ये सब। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी एड्स फ्रेंडली थीम्स नहीं है, वरना अगर आप किसी एड फ्रेंडली थीम को यहाँ पे इंस्टॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एड्स के लिए भी जगह दे दिया जाता है अलग से, इसमें नहीं दिया हुआ है। हम लोग कुछ दूसरा थीम इसी एड फ्रेंडली थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जैसा कि देख रहे हैं इसे सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें, क्योंकि एड्स के लिए अलग से जगह भी होता है, और हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसे करके आप लोग भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बस इसे एक गेम की तरह समझिए आप लोग और यूज़ कीजिए, धीरे धीरे आप लोग सीख जाइएगा। जितना ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग इसमें और ज़्यादा सीख पाइएगा। तो यहाँ पे हमारी जो थीम है एक्टिवेट हो चुकी है। आइए हम लोग यहाँ पे इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमारा चेंज हो गया है थीम्स।
यहाँ पे सब थीम्स में अलग अलग रहता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं आपको पिछले थीम्स में ये सब नहीं मिला होगा, मगर इसमें है साइड आइडेंटिटी। जैसे आप हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडर हो गया ये ऊपर का जो भाग होता है उसे हेडर बोला जाता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक आइसल मैक का है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपना आइकन, वहाँ आइकन सेलेक्ट हो शो करेगा। कंटेंट यहाँ पे आप स्लाइड बना सकते हैं टोटल कितने जितने अगर आपको बनाना है, तो जैसे कि स्लाइड्स की तरह कि यहाँ पे आप बन जाएगा और वो स्लाइड होते रहेगी। तो चलिए सब अभी हम लोग यहाँ कुछ करेंगे, ये आप हमारा फूटर हो गया, फूटर यहाँ नीचे पे रहता है, हम लोग फूटर में इमेज को लगा देते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसे हम लोग चूज कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ पे लिंक डालना है कुछ HTML कोडिंग आप जानते हैं तो कोडिंग कर सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं आपको। यहाँ पे सब चीज़ आपको अलग अलग मिल जाएगा, आपको जो जैसा करना है उसे, जैसा आपको जो पसंद है उसे यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं हमारा ये बन चुका है। दोस्तों जैसा आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे मैंने पोस्ट किया है, यहाँ पे आ चुका है रिसेंट पोस्ट, आप इसे खोल के देख भी सकते हैं बस यहाँ पे। और जैसा आप लोग को इसमें और जो जैसे जैसे चाहिए उसे आप डाल भी सकते हैं। यहाँ से आप मेनू को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी रहने दीजिए, और दोस्तों वेबसाइट में जो सबसे खास बात होती है उसे SEO मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे होगा कि आपका जो वेबसाइट होगा वो रैंक करेगा, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा क्योंकि SEO एक बहुत बड़ी टॉपिक है। उसके बारे में मैं धीरे धीरे और आपको बाद में कुछ बता दूंगा। ऐसे आप यहाँ पे प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं SEO, तो जैसे कि आप कोई भी पोस्ट कीजिएगा तो खुद ही SEO कर देगा। इसका नाम है ऑल इन वन SEO। तो जैसा देख लेंगे ये जो है इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, ये आपके लगभग सारे पोस्ट में खुद ब खुद SEO कर देता है। ऐसी उसे हुआ कि आपकी जो वेबसाइट होगी वो रैंक करने लगेगी, वरना ऐसे जानते हैं वेबसाइट आपको सर्च कीजिएगा तो कितने सारी वेबसाइट मिलती हैं, गूगल अगर आप कुछ भी सर्च कीजिएगा तो लाखों करोड़ों साइट्स को हैं जिसमें से सर्च करता है। तो SEO करने से होगा कि आपका वो रैंक करने लगेगी वेबसाइट। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा SEO आ चुका है, इसमें भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपकी रैंकिंग में फ़ायदा होगा। यहाँ पे आप होम टाइटल डालना है, आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, ये सब हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये सब चीज़ जो है पहले से खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे आप लोग को दोस्तों जो सबसे ज़रूरी है ये सबको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जैसे कि XML साइट मैप्स हो गया, ये आपका वेबसाइट की एक साइट मैप बना देता है। यहाँ पे सोशल मीडिया हो गया, और ये दोस्तों सबसे ज़रूरी जो है robots.txt। ये क्या होता है कि गूगल से कुछ क्रॉलर रोबोट्स होते हैं जो सारे वेबसाइट पर भेजे जाते हैं, वहाँ पर ये जाके सेलेक्ट कर देखते हैं कि कैसा क्या है। तो अगर ये आप यूज़ कीजिएगा तो वो खुद ब खुद उस क्रॉल्स को कर देंगे, और जिससे आपका रैंकिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आपका कुछ हाई रैंकिंग करने लगेगा। तो ये सब आप एक्टिवेट कर दीजिए, ये एक्टिवेट है खुद। जैसा कि देखा दोस्तों आप लोगों ने कि यहाँ पे अब हमारा
नॉर्मल सा सिंपल वेबसाइट एक तैयार हो चुका है। तो आइए हम लोग इसमें बताते हैं कि कैसे आप इसमें एड्स लगा सकते हैं। एड्स लगाने के लिए आप लोग को यहाँ अपीयरेंस पे क्लिक करना है और विजेट्स पे क्लिक करना है। हाँ, तो जैसे दोस्तों देख रहे हैं हमारा जो हमारा पिछला थीम था उसमें एड्स के लिए जगह नहीं थे, पर इसमें देख रहे हैं हमारा एडवर्टाइजमेंट एरिया दिया हुआ है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एरिया 1, 2, 3, 4, 5 आप एक पेज पे मैक्सिमम 6 एड्स लगा सकते हैं। 6 एड्स से ज़्यादा आप एक पेज पे नहीं लगा सकते हैं। एड्स लगाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि जैसे यहाँ पे है हेडर एडवर्टाइजमेंट एरिया, यहाँ पे आपको बस एक कस्टम HTML को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक टाइटल में कुछ नहीं डालना है और Google AdSense में आपको इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर होने के बाद Google AdSense से आपको एक कोड जनरेट एड करना पड़ेगा। उस एड का एक कोड होगा, जो कोड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और वो खुद ब खुद हो जाएगा। तो आइए इसे भी मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एडसेंस को ओपन करना है। एडसेंस ओपन करने के बाद आप लोग इसे अपने ईमेल आईडी से साइन अप कर लेते हो। ये मैं पहले से किया हुआ हूँ तो यहाँ पे मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। बस आप लोग यहाँ पे माय एड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एड्स यूनिट बस शो हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा देख रहे हैं अब यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आपको न्यू एड यूनिट पे क्लिक करना है। बस यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे तीन तरह का एड्स दिखाएगा, ये टेक्स्ट डिस्प्ले, इन फेड और इन आर्टिकल एड्स। तो हम लोग इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपके साइज़ के लिए रहेगा। तो ये सब आप रख दीजिए, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। और बस लास्ट में आपको यहाँ पे सेव एंड गेट कोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बस एक आप नेम सेव कर लीजिए एड्स, बस इसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे दोस्तों देख रहे हैं ये हमारा ऐड कोड आ चुका है। बस आप लोग इसे कॉपी करना है और यहाँ कंटेंट में पेस्ट इसे कर देना है और इसे सेव कर देना है। पर हाँ, आप एक बात का ध्यान रखें कि आप वेबसाइट बनाने के तुरंत ही एड्स ना लगाएं, क्योंकि इससे आपकी गूगल एडसेंस जो एड्स नहीं देगा और आप मतलब आपको ब्लॉक कर देगा, वो एड्स नहीं देगा आपकी साइट पर। आप कम से कम 1 सप्ताह यूज़ कीजिए, कुछ अच्छे खासे पोस्ट डालिए। पोस्ट डालने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे एड्स लगा सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ध्यान रखिए आप 6 से ज़्यादा एड्स नहीं लगा सकते हैं। और एक बात का खुद भी ध्यान रखें कि आप अपने एड्स पे खुद क्लिक ना करें। अगर आप खुद अपने एड्स पे क्लिक कीजिएगा तो गूगल एडसेंस आपको ब्लॉक कर देगा। सेव, तो बस ये हमारा सेव हो चुका है। तो यहाँ पे अभी तो आएगा नहीं क्योंकि अभी मैंने न्यू बनाया है। तो यहाँ पे हमारा ये एड्स शो करेगा। तो देखा दोस्तों कि हमारे कितने आसानी से हम लोग ने एक वेबसाइट बना ली है। तो आप लोग भी इसे बना सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसमें अच्छे अच्छे पोस्ट डालेंगे तो आपको रैंकिंग भी मिलेगी और आप इसे अर्न भी कर सकते हैं। और फिर एक बार आप ये अच्छी खासी जब होने लगे कमाई उमाई, तब ना फिर इससे अपग्रेड कर सकते हैं और अपना ये पूरा वेबसाइट अपना ले सकते हैं आप। जैसे कि हमारा ये webhost.app है, जो ये हट जाएगा .com वेबसाइट भी आप ले सकते हैं इसे। आप इसे फिर बाद में किसी तरह भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग इसे काट देते हैं। तो वैसे में दोस्तों कुछ बचा नहीं है। जैसे देखा आप लोगों ने एक नॉर्मल वेबसाइट हमारे यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी इसे यूज़ कीजिए। इसमें दोस्तों आप लोग जितना ज़्यादा आप इसे खोज सर्च कीजिएगा, जितना इसके बारे में देखिएगा उतना ही ज़्यादा आप इसको सीखने पे मिलेगा। तो जाइए बस इसे एक गेम की तरह समझिए और यूज़ करते रहिए। आप यहाँ पे पेजेस बनाइए, पोस्ट कीजिए। वहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जो पोस्ट कीजिए वो खुद का पोस्ट रहे। अगर आप किसी वेबसाइट से कॉपी करके पोस्ट कीजिएगा तो वो गूगल उसे पकड़ लेगी और आपको पनिशमेंट के तौर पर आपकी रैंकिंग को बहुत पीछे कर देगी। तो बस आप लोग भी बस इसी बात का ध्यान रखना। कुछ और जो SEO होता है उसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा और कभी वीडियो बना के। ऐसे आप उसके बारे में YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बस आप लोग यहाँ से पोस्ट बनाइए, पेजेस बनाइए, जितना आपको बनाना है। और बस
क्लिक करते रहिए, यूज़ कीजिए, बनाइए जैसे देख रहे हैं हमारा। यहाँ पे खुद ब खुद इस थीम्स में है कि आपका फ़ोटो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। आप इसकी जगह पे अपना भी फ़ोटो लगा सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि आप जैसे कि आपका अपना रहे, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं, बस जिससे मैं आप यहाँ पे इससे बनाए थे वहाँ पे फीचर इमेज का ऑप्शन आता है, उसमें बस क्लिक कर देना है आपको। से देख रहे हैं यहाँ पे नीचे में यहाँ पे सेट फीचर इमेज, तो आप इसे जो सिलेक्ट कर लीजिएगा वो खुद ब खुद हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों देख रहे थे ये SEO का हम लोगों ने जो प्लग इन इंस्टॉल किया था वो खुद ब खुद SEO कर लेता है, और आप लोग को इसमें कुछ करने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। बस आप लोग को कुछ कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितनी आसानी से हम लोग एक वेबसाइट बना सकते हैं और इसी फ्री में होस्ट करवा सकते हैं, और आप इस वेबसाइट पे एड्स लगा के कुछ अर्न भी कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट में यही बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग भी बनाइए, इसे यूज़ कीजिए और अर्न कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर किसी भी तरह का आपका डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे में लाल बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब के बगल में उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ को डालता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।